बच्चों सुप्रभात, मैं दया किशन भट्ट, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नंग बनता। बच्चों पाठ है हमारा पहला सत्संगति ही, किसमें है? संस्कृत बिंदुवंदी में पहला पाठ सत्संगति ही, कक्षा 10th विषय हिंदी। सत्संगति के महत्व को बताया है। इससे पहले जो है हमारे सत्संगति पर जो है दो वीडियो बन चुकी हैं, तीसरी वीडियो है इस पाठ की। तो अतः जो इस प्रकार से अतः नीति सत्य के सत्संगति के महत्व वर्णय भर्तृहरि कथयति। जाट्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मनोन्नति मनोन्नति दिशति पापं अपाकरो चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति। सत्संगतिः कथं किं न करोति पुंसां। चौथा श्लोक है, अन्यच्च संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं राजते स्वातौ सागर सुक्ति कुचि पतितं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेण प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतो देहिनः। तो सत्संगति के बारे में कहा गया है, श्लोक है दो। अतः नीति सत्य के सत्संगतेः महत्वं वर्णयन् भर्तृहरि कथयति। अतः नीति सत्य के नीति नामक शतक में ग्रंथ में सत्संगति महत्वं सत्संगति के महत्व का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कथयति। भर्तृहरि ने कहा है, क्या कहा है? जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं। जाड्यं मन होता है मूर्खता। जाड्यं मन क्या होता है? मूर्खता। धियो बुद्धि हरति दूर करती है, सिंचति सींचती है वाचि वाणी को सत्यम सत्य से। सत्संगति के बारे में कहा है कि जो है जाड्यं धियो हरति, धियो बुद्धि की मूर्खता को सत्संगति हरती है और सिंचति वाचि सत्यम वाणी को सत्य से सींचती है, वाणी को सत्य से सींचती है। मनोन्नति दिशति पापम अपाकरोति। मनोन्नति दिशति, मन की उन्नति करती है, मन को जो है अच्छे विचारों से भरती है। पापम अपाकरोति, पापों को जो है पापों से दूर हटाती है, पापों से जो दूर करती है सत्संगति। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न रखती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न रखती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, कीर्ति अर्थात यश। दिक्षु तनोति कीर्ति, यश को चारण दिशाओं में फैलाती है, यश को चारण दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति कथित किम न करोति पुंसां। सत्संगति कथित किम न करोति पुंसां, कहो सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं कर सकती है, प्राणी का क्या नहीं कर सकती है। अर्थात सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से कल्याण करती है, हित करती है। चौथा श्लोक है, चौथा भाग है इसका। अन्यत्र कहीं दूसरी जगह भी कहा गया है, अन्यत्र भी कहा गया है सत्संगति के बारे में। श्लोक है, संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं राजते स्वातो सागर सुक्ति कुचि पतितं तज्जायते मौक्तिकम् प्रायणा अधम मध्यम उत्तम गुणा संसर्गतो देहिनां। दूसरी जगह भी सत्संगति के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया है, क्या कहा गया है? संतप्ता अयसी, संतप्त न गरम अयसी लोहा, जिस प्रकार गरम लोहे पर स्थित जल की बूंद पय अर्थात जल की बूंद को रखते हैं, गरम लोहे पर यदि हम जल की बूंद को डालते हैं नामापि न ज्ञायते, उसका नामोनिशान नहीं रहता है, वह नष्ट हो जाती है। मुक्ताकार तया तदैव नलिनी पत्र स्थितम राजते, और उसी जल की बूंद को
क्या करते हैं हम, नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी अर्थात कमल के पत्ते में यदि रखते हैं उसी जल की बूंद को, तो यह मुक्ताकार व मोती के आकार को लेती है और जो है राजते सुशोभित होती है। मोती के आकार को लेकर के क्या होती है, सुशोभित होती है। स्वातो सागर सुक्ति कुछ पतितम तज्जायते मौक्तिकम, और उसी जल की बूंद को स्वातो स्वादि नक्षत्र में यदि वही जल की बूंद सागर में स्थित सीपी की कोख में पड़ती है तो तज्जायते मौक्तिकम, तो वह मोती बन जाती है वही की जल की बूंद। यदि जो है क्या होती है, स्वातो स्वादि नक्षत्र में सागर में स्थित सीपी की कोख में गिरती है, सीपी की जो है कोख में पड़ती है तो तज्जायते मौक्तिकम, तब तो वह जो है मोती बन जाती है। जल की बूंद एक है लेकिन संपर्क में आने पर जो है प्रभाव पड़ रहा है तो मोती बन जाती है। प्रायण प्रायण अधम मध्यम उत्तम गुणा संसर्ग दो देना, तो उसी प्रकार से प्राणी भी अधम नीच अर्थात दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह दुष्ट बन जाता है, उसी प्रकार का हो जाता है। जैसे दुष्ट प्रकार दुष्ट व्यक्ति होता है उसके विचार जो गलत होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं और गलत कार्य करता है। यदि हम जो है प्राणी जो है अधम व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के संपर्क, नीच अर्थात यहाँ दुष्ट व्यक्ति से लगाया जाएगा, नीच व्यक्ति के संपर्क में आता है, दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वैसा ही हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। और मध्यम मध्यम कैटेगरी मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के संपर्क में आता है तो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, मध्यम कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसके जो गुण हैं वही उसमें आ जाते हैं। और यदि वह जो है उत्तम गुण उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो जो है वह व्यक्ति जो है उसी प्रकार का हो जाता है। संसर्ग तो देहिना संपर्क में आने पर व्यक्ति जो है उसी प्रकार का बन जाता है। जिस प्रकार जल की बूंद एक ही है यदि वह जो है गर्म लोहे पर पड़ती है तो उसका नामानुसार मिट जाएगा मिट जाता है, और वही जल की बूंद जो है कमल के पत्ते पर गिर रही है तो वह जो है मोती के आकार को जो है प्राप्त कर रही है, सुशोभित होती है। और वही जल की बूंद जो है स्वादि नक्षत्र में सागर में स्थित जो है सीपी की कोख में गिरती है तो तज्जायते मौक्तिकम व मोती बन जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य भी जिस जिस के संपर्क में आता है, जैसे जैसे व्यक्तियों के संपर्क में आता है व्यक्ति वैसा वैसा बन जाता है, उसमें वैसे वैसे गुण जो है क्या रहते हैं आ जाते हैं।